आप लोगों को एक और झक्कास चीज दिखाऊं, वो देख रहे हैं बादल। आपको क्या मस्त लग रहा है ना बरसात के मौसम में ना, यही चीज प्यारी है कि मौसम बहुत बढ़िया मिलता है। ओहो सामने बादल इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मन कर रहा है ऐसे पकड़ के ले आऊं और आप लोगों के लिए। हाँ हे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज आप सभी लोगों को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला है और आई थिंक कि मैं दिन में ड्यूटी से ब्रेक लेके गांव जाऊंगा। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होगे ना यार वीडियो इतनी लेट क्यों बनाता है। आप लोगों को सबको पता है मैं करता हूँ जॉब और जॉब में इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता। बद्रीनाथ केदारनाथ वाला हमने ट्रिप करा था, उसके बाद घूमने के लिए भाई पैसे भी तो चाहिए होते हैं और इतने ज़्यादा पैसे हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन घूमते रहेंगे। और सो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगा, ठीक है, क्योंकि डेली यार ब्लॉग नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हमारी इतनी स्टैंडर्ड या अच्छी लाइफ नहीं है। हम 12-13 घंटा ड्यूटी करते हैं, उस ड्यूटी के बीच में आपको क्या ही दिखाएं। और आज अभी स्टाफ आ जाएगा मेरा, कुछ स्टाफ नया स्टाफ है, उन लोगों से भी मिलवाऊंगा। और अभी सूरज देवता देख रहे हैं आप कितने प्यारे से लग रहे हैं, और जो पहाड़ पता है गर्मियों में यहाँ से धुंध जैसे लगते थे ना, आज उन पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं, मतलब यानी कि ये धुंध आई हुई है फॉग, और ग्रीनरी बहुत प्यारी है। सो अभी मैं ड्यूटी करूँगा और उसके बाद दिन में टाइम निकाल के गाँव जाएंगे, हरेला मनाएंगे और शाम को फिर से वापस आएंगे। तो आज आपको क्या ही देखने के लिए मिलता है, आप लोग देखिए। और वीडियो को यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना बिल्कुल करिए। आप लोग ना वीडियो पर आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा नहाता धोता हूँ, बिल्कुल रेडी होता हूँ, फ्रेश होके ड्यूटी करते हैं और उसके बाद मिलेंगे आपसे GoPro में। सो अभी हम मिलाते हैं तुम्हें गोपाल साहब से। गोपाल साहब हैप्पी हरेला। सुबह पराठे की तैयारी हो रही है और अब मिलाऊँगा कलवा से। कलवा हैप्पी हरेला। ये देखो कुर्सी में ही बैठे रहता है, इसी कुर्सी में, और ये मोबाइल में लगे रहता है और कुछ काम नहीं है। हैप्पी हरेला दिखा दो भाई, हैप्पी हरेला। और अभी आनंद पता नहीं कहाँ गया, इधर ही घूम रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे सबसे मिलवाता हूँ आपको। सो हे यूट्यूब फैमिली, अभी करीब बज चुका है 1:30 और जो साथ वाला एक बोल रहा था मैं भी चलूँगा गाँव, वो तो आ नहीं रहा। अब मैं अकेले चले चुका हूँ और धूप आज बड़ी कैरी लग रही, बट बारिश ना हो जाए। अभी खाना वाना भी कुछ नहीं खाया, खाना वाना जब मम्मी घर पे जाके हरेला पूजेगी तो उसके बाद खाना वाना खाऊंगा और शाम को वापस ही आऊँगा। गांव में तो इस टाइम पे ना बढ़िया सी हरियाली हो रखी होगी, और इधर देखो क्या धूप लग रही है, कैड़ी वाली एकदम खतरनाक आ रखी है आज तो धूप। बरसात में ना धूप बहुत तगड़ी लगती है, पता है गर्मी से भी ज़्यादा तगड़ी धूप लगती है, क्योंकि इस टाइम पर ना बारिश होती है तो अचानक से उमस बढ़ जाती है, या तो फिर रिमझिम वाली बारिश होनी चाहिए, थोड़ा बहुत सही रहता है, अदरवाइज़ तो फिर यही है भाई। सो अभी ब्लैक बॉम्ब पर भरवा लेते हैं तेल, बहुत दिन से बेचारी कैसे हालत हो रखी है इस बेचारी की, इसकी धुलाई भी नहीं हो रखी बढ़िया से, तो इसको पिलाते हैं खाना, खिलाते हैं। भाई लोग आज हरेले के दिन ना जितनी तगड़ी धूप लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि इतनी तगड़ी बारिश हो गई तो ना तबाही मच जाएगी कसम से, क्योंकि बरसात के मौसम में इतनी तगड़ी धूप होना ना मतलब कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है, नुकसान पक्का करेगी मुझे लग रहा है ऐसी, क्योंकि बहुत तगड़ी धूप लगी है यार, पता है हाथ जल रहे हैं ऐसे खतरनाक तरीके से। ओए होए क्या धूप है भाई, आज ट्रैफिक भी आई तो ओए होए 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 होए। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं फतेहपुर। आज थोड़ा सा त्यौहार की वजह से सुनसान है इधर, अदरवाइज मार्केट में बहुत ज़्यादा रश भी रहता था, ऊपर से सैटरडे भी है, सैटरडे को हल्द्वानी बंद रहता है तो मोस्टली लोग आते भी नहीं है मार्केट की तरफ को, सुनसान लग रहा। और सुनसान लगने का ना एक कारण और भी है, पता है जो इतनी कैड़ी धूप लग रही इसका क्या होगा भाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ इलाज है ना। सो अभी ये देख रहे हैं आप, पूरा रेनोवेट हो चुका है, बढ़िया सा इसमें डिजाइन निकल चुकी है, इधर पेड़ों के बीच में ये बन चुके हैं सामने बढ़िया से, और सुना है कि यहाँ पर गार्डन वार्डन बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। और हम लोगों के वहाँ को वैसे तो आते हैं, बहुत सारी पब्लिक आती है, अभी इधर हरियाली देख रहे हो,
आप लोग जब मैं पहले पहले आता था ना यहाँ पर, आप देखते होंगे कि पूरा सूखा सूखा चारों तरफ। और अभी देखो ये जो हरेला त्यौहार होता है ना, वह मोस्टली हरियाली के लिए ही फेमस होता है। आज से सारे जंगल हरे भरे और बारिश तेज, बहुत तगड़ा सीन होता है आज के बाद हरेले का है। और उस साइड पर बादल देख सकते हैं क्या मस्त लग रहे हैं। जितनी तगड़ी धूप है ना उतनी तगड़ी बारिश आ जाएगी। आगे एक्चुअली भाखड़ा नदी है ना, बरसात में हमारे वहाँ से आने का एकमात्र मतलब जो प्रॉब्लम है ना वो ये भाखड़ा नदी है। इसमें पता नहीं ऊपर से अगर बारिश हुई ना, यहाँ बारिश नहीं भी होगी ना ये नदी तब भी बहुत उफान पर आ जाती है। और बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं यार इस नदी पर भी ना। तो गवर्नमेंट से ना रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज़ यहाँ पर एक ब्रिज दे दे, क्योंकि यहाँ से नैनीताल के लिए भी बाईपास है। तो आप लोग प्लीज़ यार थोड़ा सा ओए होए हमारी इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्रिज दे दें। अभी तो पानी नहीं होगा इसमें, पता ही नहीं चलता, पानी अचानक से बहुत आता है। ये है वो भाखड़ा नदी जिस पर पूरा ये उफान पर आ जाती है ख़तरनाक। एक्चुअली इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, गोप्रो कर जा रहा है हीट, और बार बार गोप्रो से फिर बैटरी निकालो, गाड़ी रोको मतलब बैटरी निकालो, फिर डालो, फिर सारा तामझाम लगाओ, ये दिक्कत हो जाती है। गर्मी में हीट बहुत ज़्यादा होती है यार। और मतलब अभी तो यहाँ पेड़ों की छाया है ना, कहीं दिख रही होगी आपको छाया, इधर को मस्त मौसम हो रखा, मतलब गर्मी नहीं लग रही है। और जो नीचे को लग रही थी ना बहुत तगड़ी गर्मी लग रही थी यार। अभी सारे हल्द्वानी के लड़के मड़के लोग नीचे आ रखे हैं पार्टी वार्टी के लिए। और हरियाली तो एकदम पावर हो रखी है, बोले तो शानदार हरियाली हो रखी है। और हर हर महादेव, सावन का महीना। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई लोग, आप लोगों ने हरेला मनाया नहीं मनाया, और कैसा रहा आप लोगों का हरेला? हमारी तरह ऐसी बोरिंग रहा कि एक दो बजे घर को जाओगे, अभी थोड़ा सा देर में वापस आ जाओगे, या मस्त करके एंजॉय करके मनाया? बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग भी मतलब बोले तो मैं और ब्लैक बॉम्ब बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। मैंने बद्रीनाथ से हल्द्वानी अकेले गाड़ी चला ली, मतलब मुझे ना ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे थकान नहीं होती, बट थोड़ा सा रेस्ट ये होता है। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके घूमो तो ना मज़ा आता है, खाली लंबा ड्राइव ड्राइव करते रहो तो थक जाता आदमी। इस तरीके से मतलब हम 4-5 दिन का ट्रिप गए थे तो हमें वो चीज़ें कवर करनी थी, हमने सब कुछ जल्दी जल्दीबाजी में करा। एटलीस्ट हमने जो जगह घूमी ना इसके लिए 10 से 15 दिन भी कम थे। ईजिली घूमो हर जगह, वहाँ पर रहो, टाइम बिताओ। सामने आपको नज़ारे दिख रहे हैं, कितने प्यारे नज़ारे आसमान में, देखिए बादल और धूप आई एकदम प्यारी सी मस्त करके। और यही है भाई गांव की हरियाली, गांव की खूबसूरती। भाई तुम्हारे बड़े बड़े शहरों से बोलते हैं ना हमारा गांव अच्छा है, बहुत हद तक हर चीज़ में अच्छा रहता है। आपको भी पता है भाई, गाँव का पानी ना शहर के दूध के समान बोला जाता है। तो गाँव में जो जीवन यापन का जरिया होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज ऑल वेल, सब अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया एकदम। आज दिख रहा है सामने, देखो क्या बादल लगे पड़े मस्त करके यार। बरसात में तो क्या ही हरियाली और मौसम हो जाता है ना, गांव साइड में भी एकदम बढ़िया सा। वैसे तो ग्रीनरी रहती है, बस अगर आग वाग लग गई तो तभी जो दिक्कत है, अदरवाइज तो क्या ही अल्टीमेट मौसम रहता है भाई एकदम। तो ये सामने अपने महादेव की नगरी बेल और हमारा विलेज मस्त करके है। हरियाली भाई कितनी मस्त हो रखी ना, मैं तो आज इतने दिनों बाद आ रहा हूँ और यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने के लिए मिल रही ना, क्या बताऊँ यार आपको कसम से। और भाई जिसे डाउट होता है ना अपने यहाँ ऑटो ऑटो सब आते हैं, ठीक है, नहीं ऑटो ऐसा नहीं है कि ऑटो नहीं आते, ऑटो भी आते हैं इधर, ठीक है, बट यही है थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है तो उस वजह से कंटिन्यूसली नहीं चलते। आप बुक करा के भी आ सकते हैं, बाकी अदरवाइज तो आप साइकिल लेके भी आ जाओ भाई, आने पर डिपेंड करता है अगर आपका दिल है आने का घूमने का, मजे से आओ कैसे भी आओ बिंदास। बस नैनीताल के लिए अभी थोड़ा बहुत जो कच्चा बचा है वो भी पक्का हो जाएगा, उसके बाद एकदम मस्त हो जाएगी सब। आप लोगों को एक और झक्कास चीज़ दिखाऊं, वो देख रहे हैं बादल, आपको क्या मस्त लग रहा है ना। बरसात के मौसम में ना यही चीज़ प्यारी है कि मौसम बहुत बढ़िया मिलता है। और ये हमारा मिनी लद्दाख वाला ट्रैक, बारिश ना है तो आज थोड़ा सा
कीचड़ नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो कीचड़ कीचड़ ही मिलती है यहाँ पे, क्योंकि पूरा पहाड़ नीचे आ गया था भाई। इतनी खतरनाक बारिश तबाही वाली हुई थी ना, पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया था। और ये तुम्हें पूरा हिमालय वाला फीलिंग देता है हमारा ये वाला पुल, और नीचे शमशान घाट, चित्रशिला घाट आप बोल सकते हैं। और अचानक से मौसम में हो चुका है परिवर्तन, ऊपर लग चुके हैं बादल और आ चुकी है छाया। ओए ओए, कहीं धूप कहीं छाया, भोलेनाथ की माया। वाओ, ओहो, सामने बादल इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मन कर रहा है इसे पकड़ के ले आऊँ और आप लोगों के लिए। हाँ, जो एकदम स्वर्ग वाले नज़ारे आते हैं ना, यहाँ से आते हैं। और मैं यहाँ से ऊपर को निकल जाऊँगा अपने घर के लिए, और सीधे आगे जाती है नाइसिला, ऊपर वाले मल्ली नाइसिला होते हुए नैनीताल के लिए। थोड़ा सा हमें यहाँ पर से ये कच्चा वाला रास्ता बोलते हैं जिसको, यहाँ पर इनने दुकान के लिए खुदाई कर दी है। तो ओए होए, नंदू भाई की स्कूटी भी इधर ही खड़ी है। थोड़ा सा इधर से बैक करके ऊपर करना पड़ता है, बस यही है यहाँ पर। हमारा नया फैमिली मेंबर बिल्लू, माओ माओ अच्छा करता है, खेल करता है, देखना अभी ये खेल कर रहा है ये। अभी मैंने ऐसे ही खेतों पे टहल रहा था गांव के, और ये दिख रही है आपको, ये दिखाता हूँ आपको, ये है गडेरी अरबी जिसको आप बोलते हो। और मेरे जस्ट पीछे ये किसी और का खेत है, मक्का लगी है। मौसम तो ना एकदम खतरनाक हो चुका है, डामाडोल जिसको बोलते हैं, बारिश आने वाला हो रखा है। और ये तेज पत्ते के पेड़ भी लगा रखे हमने बहुत सारे, ये है तेज पत्ते का पेड़। मौसम देख रहे हो उस साइड से ना, बहुत तगड़ा बन चुका है देखो, पूरा ऐसा लग रहा है कि खतरनाक बारिश आएगी। तो अभी 4 o'clock होने वाला है, और उस साइड में धान वान सारे लग चुके हैं, क्योंकि उनके पास पानी का सुविधा है ना, तो हमारे पास था नहीं। और अभी धूप भी आ चुकी है, और मैं यहाँ से 4 o'clock हो चुका है, थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा और GoPro पे फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। अभी सामने खेतों में दिख रहे ना, उधर लग चुके हैं धान, और हमारे साइड में भी नहीं लगे हुए क्योंकि पानी की दिक्कत है, अभी बारिश इतनी हुई नहीं है। इसमें लगा रखी है गडेरी, पिनालो अरबी बोलते हो जिसको आप, वो लगी हुई है। और मौसम अभी बन चुका है बारिश का एकदम खतरनाक। बच्चों क्या कर रहा तू, कुछ पोछा लगा रहा तू दिन में? हाँ। और ये पानी के खेल कर रहा है? है? ओए, हेलो कर दे फिर सबसे, चल चल हेलो कर दे सबसे, लक्सु हेलो कर दे सबसे, ऐसे कर हेलो हेलो। यार मैं घर से निकल चुका था, और अभी मिठावला से आगे फतेहपुर पहुंचने वाला हूँ। आपको रोड को साइड साइड में गाड़ियाँ खड़ी दिख रही होंगी ना, ऐसे बसानी की साइड पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ को वेदर थोड़ा बहुत अच्छा है, तो सब लोग उधर रेस्टोरेंट पे खाने पीने, पार्टी वार्टी करने, बर्थडे बनाने जाते रहते हैं।
सही है, उधर को हरियाली है अभी मस्त करके। इस बारी बारिश पता नहीं क्या चाह रही है, और बारिश होगी तो तबाही वाली होगी मुझे लग रहा है। एक्चुअली ना गाड़ी का कुछ इधर से आवाज़ कर रहा है, जब वो बद्रीनाथ वाले ट्रिप में गए थे उस तब से आवाज़ कर रहा था, वो अभी मैंने चेक नहीं करवाया है। सोच रहा हूँ उसको कभी टाइम मिले तो ना चेक करवा लूँ। और अभी फतेहपुर के हाईवे पर पहुँच चुका हूँ मैं, ये कालाडूंगी हाईवे है। सो ऑलमोस्ट कटघरिया पहुंचने वाला हूं, और अभी ऐसा कुछ खास है नहीं, और डायरेक्टली मैं आप लोग को होटल में मिलता हूं, स्टाफ से मिलाता हूं, ठीक है। सो अभी हो चुका है 9 o'clock, और आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो सोच रहे हैं कि आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें। और फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी हरेला, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से चलते हैं, अगला प्लान हम लीति विलेज का बना रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो लीति विलेज जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।